हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक बार वर्ष 1998 में ही गठबंधन की सरकार बनी थी। अधिकांश समय प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। निर्दलियों की भूमिका भी 1998 के बाद अधिक असरदार नहीं रही। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्दलीय विधायक बने रमेश धवाला की पाला बदलने से प्रदेश में सरकार बदल गई थी। सबसे ज्यादा 32 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने रमेश धवाला को साथ लेकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन ये सरकार एक पखवाड़ा पूरा करने से पहले ही गिर गई थी। वर्ष 1998 में 65 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव परिणाम आने से पहले एक प्रत्याशी का निधन होने के कारण भाजपा के पास 28 विधायक रह गए थे। सरकार बनाने के लिए 33 विधायक चाहिए थे। रमेश धवाला को साथ लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बीच रमेश धवाला ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। धवाला के पाला बदलने से भाजपा ने हिमाचल विकास कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया। चुनाव में हिमबिका के 4 विधायक जीते थे। सदन के भीतर दलीय स्थिति में धवाला को मिलाकर भाजपा और हिमबिका गठबंधन के 33 विधायक हो गए, जबकि कांग्रेस के पास 31 विधायक थे। एक विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। 3 जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव जून 1999 में हुए थे। इसके बाद से प्रदेश में 5-5 वर्ष तक भाजपा और कांग्रेस की सरकारें ही रही। दोनों दलों ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकारें बनाई। 2017 में भाजपा 44 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में आई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।